अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इम्तियाज़ अली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के तवसल से आपकी पेशे खिदमत हाज़िर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसमें हर वो चीज़ काश्त की जाती है जो ज़रात से मुंसलिक है, जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती हैं, जिसमें सूरजमुखी एक फसल है। मुल्क की खुर्दनी तेल की ज़रूरत को पूरा करने और मुल्क को खुद कफील बनाने में सूरजमुखी का किरदार बड़ा अहम है। पाकिस्तान हर साल 350 अरब रुपए का खुर्दनी तेल बाहर के ममालिक से मंगवाता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के काश्तकार उनके फसलों का वो मुनाफा ना मिलने की वजह से काश्तकार वो फसल उगाना पसंद नहीं करता जिसमें नुकसान का तखमीना ज़्यादा हो, जबकि अब हुकूमत काश्तकारों को 5000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम कर रही है कि काश्तकार सूरजमुखी की बरवक्त काश्त करें और उससे बेहतरीन मुनाफा हासिल करें। सबसे पहले सूरजमुखी की काश्त के लिए ज़मीन का इंतखाब किया जाता है। सूरजमुखी की काश्त के लिए भारी मीरा ज़मीन मौजू है और सीमजदा कलराठी और बहुत रेतीली ज़मीन के लिए मौजू नहीं है। ज़मीन की तैयारी के लिए राजा हल, डिस्क हल पूरी गहराई तक चलाना चाहिए ताकि ज़मीन पूरी तरह खुल जाए, पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकें। सूरजमुखी का ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए सही वक्त पर काश्त ज़रूरी है। आखिर से काश्त करने की सूरत में ना सिर्फ उसकी पैदावार में कमी हो जाती है बल्कि उससे तेल भी कम हासिल होता है। जैसा कि बारानी इलाकों में इसकी काश्त का इन्हसार ज़्यादातर बारिशों के फैलाव पर होता है। सूरजमुखी को काश्त तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि सिंध पहले नंबर पे है। पहले में सिंध में बदीन, मीरपुर खास, टंडो इलाया, टंडो जाम, गुलाची, पंगरियो, टंडो बागो, जाती, ठठा, इन इलाकों में काश्त 1 दिसंबर से फरवरी तक काश्त की जाती है। दूसरे हिस्से में डेरा गाजी खान, राजनपुर, भावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, वहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, लिया, भावल नगर, लोधरा शामिल हैं। इन अज़ला में सूरजमुखी की काश्त का वक्त 31 जनवरी मुकर्रर किया गया है। तीसरे हिस्से में मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, झंग, शाहीवाल, खानेवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर, मंडी, बहावलद्दीन, कसूर, शेखुपुरा में सूरजमुखी की काश्त का वक्त 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मुकर्रर है। अच्छे उगाव वाले साफ़ सुथरे दोगले हाइब्रिड इकसाम का 2 किलोग्राम बीज फी एकड़, 1 DAP खाद फी एकड़ 1 बोरी इस्तेमाल करना चाहिए। बीज का उगाव 90% से ज़्यादा होना चाहिए। सूरजमुखी की फसल को बीमारियों से महफूज रखना नहायत ही ज़रूरी है। जो दोस्त हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हैं, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और उसके साथ ही साथ बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।